और जड़े जवान ठीक हो? कहाँ जनाब, यहाँ तो बस धुआं ही धुआं दिख रहा है। कई हमने सुनी पाकिस्तान में हुरा भंजो को। अरे जनाब, अब आपको क्या बताएं, आपके यहाँ से रात में 3:30 बजे कुछ लोग आए और पूरा चमन उजाड़ के चले गए। अरे बेटा, हमने तुम्हें पहले ही सावधान करो तो ज्यादा ना उड़ू ना तरोड़ा दें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरी रंगबाजी चढ़ी थी। जनाब, हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। बेटा चुप तो अब तुम्हारे बाप को ही बैठने पर है। कहा है कि 20 मिनट में 300 पील दे, और अगर तुम ऐसे ढंग डोल रहे तो भारतीय सेना तुम्हें पाकिस्तान को रेगिस्तान बना दे। और तुम जो बताओ, तुम्हें क्या लगा, मतलब तुम चाहे झूक करते रहो, हमारे शांत बैठे रहे। नहीं जनाब, लेकिन जब आप लोगों ने हमला किया तो हम लोग सावधान नहीं थे। हाँ बेटा, जब हमारा जवान शहीद हुआ तब तो तुमने अखबार में इश्तेहार देकर हमला करो तो 300 किलो बम बारूद लेके हमला कर रहे। कहो जनाब, कुछ भी हो लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बेटा तुम्हारी ये नीच हरकत नहीं तुम्हें विनाश को कारण बने, और अब हमारे एक वीर जवान अभिनंदन कुमार तुम्हारे पास है, उसको बाइज्जत वापस कर दो हमें। नहीं तो हो सकता है कल को न्यूज पेपर में खबर वबर न करवे कि पाकिस्तान अब नहीं रहो तो अच्छो ना लगे। और जब हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, हमने तुम्हें क्या दे दी, तुमने हमारे जवानों के खून से वैलेंटाइन डे मनाओ, हम तुम्हारे आतंकवादी नहीं खून से महाशिवरात्रि मनाए। बेटा सुधर जाओ, अभी टाइम है, नहीं तो तांडव की पूरी तैयारी है हमारे तरफ से, बंजर रड़ बना देंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो मोदी जी, सत्या यादव बोल रहे। अब जाके रे, परसों भूगोल को पेपर है, जो करने हो जल्दी करो, फिर बता दो हमें। कहा है कि पेपर में नक्शा बनाने पर है, तो पाकिस्तान को नक्शा बनावे कि ना बनावे? मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जहां से प्यारा है ये हिंदुस्तान।